दादा बोलने से हिंदी में उसका मतलब है हाँ हाँ। यहाँ आटा गूंद रहे हैं, नहीं आटा गूंद नहीं रहे हैं। आसमान क्लियर रहता तो आपको अच्छा से दिखा सकता था मैं, अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से एक नया वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन से मैं काम पे गया नहीं, अभी फिर अभी काम पे जाना पड़ेगा। अभी ड्राइवर लोग फोन किया था, अभी आपको दिखाते हैं, उम्मीद जाके ही दिखाते हैं आपको। दोस्तों मैं फाइनली आ चुका हूँ चाचा का गाड़ी लेके, अभी ऊपर जाके आपको आज थोड़ा ऊपर से भी दिखा दूंगा, आपको ऊपर से कैसे दिखता है, यहाँ का नज़ारा कैसे दिखता है आपको दिखा दूंगा। अब मैं अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पर काम करता हूँ, वहाँ पर आ चुका हूँ। अभी पीछे तरफ अभी गया नहीं है, पीछे तरफ ड्राइवर लोग लोड कर रहे हैं गाड़ी से, अभी दिखा दूंगा आपको जाके। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग का महतो भैया आ गए हैं, अभी लोड करके जा रहे हैं भैया। भैया हाय कर दो। हाय दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ पूरा टॉप पे, मैं जहाँ काम करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे थोड़ा झाड़ी झाड़ी। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ टॉप पे कुछ ऐसे जगह है, देख सकते हैं मेरे पीछे में भी, और ये चारों तरफ का देख सकते हैं। आपको आगे से दिखाता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ टॉप पे कैसे दिखता है जगह। देख सकते हैं दोस्तों कैसे मस्त लग रहा है यहाँ से ऊपर से पूरा टॉप से, आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। और यहाँ ऊपर में पूरा फॉग हो रखा है, हल्का सवेरे का टाइम है इसलिए फॉग फॉग हो रखा है। आज आसमान क्लियर नहीं है इसलिए ऐसे दिख रहा है। ये देखिए कितना बड़ा चट्टान है, ये चट्टान का पीछे से ऐसे कुछ जाने का जगह है, वहाँ से जाके आपको दिखाता हूँ आगे से थोड़ा। इधर देख सकते हैं राजगांवपुर टाउन है, आज उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, फॉग हो रखा है ना। ये होलसेल प्लांट भी सीधा दिखता है, वो भी क्लियर नहीं दिख रहा अभी। तो देख सकते हैं मेरे पीछे में कुछ ऐसा नज़ारा है, आसमान अभी पूरा क्लियर नहीं है इसलिए आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, पूरा बादल उधर पूरा धुंध छा रखा है, देख लो ऐसे। ये पीछे पूरा हम लोग का राजगांवपुर टाउन है, यहाँ अभी इधर से आया, ये रास्ता होके ऐसे झाड़ी हो रखा है, झाड़ी होके ऐसे ऐसे इधर से वो रास्ता से आया अभी मैं। दोस्तों देख सकते हैं जंगल का पारिजात फूल बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता एक्चुअली में इसको क्या नाम बोलते हैं, मेरे को जहाँ तक पता है ये पारिजात का फूल बोलते हैं। ये रात को खिलता है, सवेरे होते होते गिर जाता है नीचे ज़मीन पे, आपको कुछ पता होगा तो आप बताएं मेरे को। ये कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, हरा भरा खेत में धान लगा रखा है, पहाड़ भी देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है वो। दोस्तों ये देख सकते हैं जंगली कपास है, कपास बोलते हैं हम लोग इसको, दातुन भी करने बहुत अच्छा लगता है, ये जंगल का फूल है। और ये फूल तो आप कहीं भी देखे होंगे राह में चलते हुए, ये रात की रानी जो पारिजात फूल जो बोल रहे थे, और ये कपास वाला फूल तो आपको बता ही चुके हैं हम। ठीक है दोस्तों निकलते हैं अभी साइड से, अभी जाते हैं थोड़ा मार्केटिंग है, फिर चावल भी लाना है, चावल भी ख़त्म हो गया घर में अभी। तो अभी साइड से निकल चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा टाउन जाऊंगा, अभी वहाँ से खाने का तेल भी नहीं है, तेल खत्म हो गया, तेल लेके आना पड़ेगा अभी। अभी कनारा बैंक देख सकते हैं, पासबुक प्रिंट करने दिया था मैं, वहाँ से आने के बाद चावल लाने दिया था मैं कंट्रोल, लाइन लग के लेना पड़ा। सामने में मजिस्ट्रेट जी का घर है इधर, और उसके बगल में कॉलेज है वंशिष्ट कॉलेज, लड़के लोग जा रहे थे खाना वाना खा के। चावल लाने के बाद फाइनली काम तो खत्म हो गया था, फिर भी थोड़ा थकावट लग रहा था इसलिए सो गए थे। सोने के बाद अभी उठ के नहाए, जस्ट अभी नहा लिया। यहाँ आटा गूंद रहे हैं, नहीं आटा गूंद नहीं रहे हैं।
पहले आटा को यहाँ छनाई हो रहा है, उसके बाद में आटा गूंदेंगे, फिर बाद में पूरी बनेगी। अभी आटा में कीड़ा लग गया है क्या, इसीलिए पूजा जी छान रहे हैं इसको। रिएक्शन तो देखने वाला है दोस्तों पूजा जी का। हम लोग का आंगनबाड़ी है, वहाँ ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा ऊपर से। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, वहाँ एक जन का नाम है सरस्वती, इसका नाम है बड़कू, इसका नाम है आयुष। अभी यहाँ ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ मैं आप, गांव के सामने में तालाब है, एक तालाब कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे घर के सामने ये लेक है दोस्तों, देख सकते हैं मैं जो आपको बोल रहा था अभी। यहाँ से लेकर पूरा इतना बड़ा, बहुत बड़ा है दोस्तों लेक। और अभी मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, ऊपर जो दिखा रहा था मैं आंगनबाड़ी में चढ़ूंगा बोल के, ये आंगनबाड़ी का छत है देख सकते हैं। ये सामने जो दरवाजा दिख रहा है मेरा घर है दोस्तों, देख सकते हैं इधर चाची घर है, इधर आस पड़ोस का घर है ये। शिवा दोस्तों, क्या आपको पता है रसीन लैंग्वेज में 10 विदानियां बोलने से उसका मतलब हिंदी में क्या होता है? अलविदा। दादा बोलने से हिंदी में उसका मतलब है हाँ हाँ। खोरोसो बोलने से अच्छा, और प्रीवियत बोलने से नमस्ते हिंदी में उसका ट्रांसलेट। डिफिकल्ट है कितना रशियन लैंग्वेज। दोस्तों देख सकते हैं अभी मेरा भाई भी आ गया है, मेरे सामने बैठा हुआ है और वीडियो बना रहे हैं उसके साथ में। अभी वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाने से अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय कर दें, बाय बाय।